हसेगा इंडिया। अभी तो नहीं, जहां मैं नाचूं तुम्हें नाचना जरूरी है। जरूरी है। डांस आता भी है या ऐसे भी? डांस तो बहुत आसान चीज है। तुम्हारे बस की बात नहीं है डांस। बहुत आसान चीज है डांस, अभी प्रूफ कर देता हूँ। करो। हाँ, कमर पे हाथ रखो यूं। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इलेक्ट्रिशियन लोगों की तरह घर में बल्ब लगाओ। एक स्टेप, पहला स्टेप सिखा दिया। दूसरा स्टेप, घर में लादी घिसो। लादी मतलब फर्श है, फर्श को साफ करना है। ये समझो पार्टी खत्म हुई है। हाँ। तो बिरयानी की कढ़ाई है। हाँ। कढ़ाई धोना है। हाँ। बिरयानी हट गई। हाँ। कढ़ाई खाली है। हाँ। उसमें घुस जाओ। ए? दूसरा स्टेप डांस का है। सीखती जाओ, तुम डांस सीखती जाओ। अच्छा, एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अच्छा, लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा नाचते थे। वाओ, उन्होंने कभी डांस किया ही नहीं। लोग समझते डांस है, वो डांस है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? वो नहा के निकलते हैं बाथरूम से। ओके। टॉवेल लेते हैं और बस बॉडी पोछ रहे होते हैं। फिर साबुन लगाते हैं। मैं समझ गए आप किसकी बात कर रहे हो। मैं समझ गए। वेरी गुड, बट नो प्रॉब्लम, अमेजिंग। अरे राखी, तुम एक पॉइंट पे जाके टर्निंग पॉइंट हो जाती हो। What? अब अपने आप को थोड़ा सा टर्न करो और टर्न करके उस नरीमन पॉइंट पे बैठ जाओ। अरे राखी, वो नरीमन पॉइंट है हॉट सीट रे। तो ऐसा सीधा बोलो ना। माय गॉड, वक्त है उसी शानदार कलाकार का जो गाता भी है, हंसाता भी है, हमारा आपका फेवरेट सुदेश भौसले। थैंक यू राजू भाई। हमारे जो मास्टर जी थे उनको बहुत आदत थी, हर कोई सवाल अगर हमसे सवाल करते तो जवाब जो है गाने में देते थे। अगर हमने पूछा मास्टर जी आप कैसे हैं तो कहते हाल चाल ठीक ठाक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा यार, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। वीआईपी प्रोपेट लाल पिछले चार हफ्तों से कॉमेडी का सरताज बन रहा है यार। आज उसको टक्कर देने के लिए दिनेश सोनी आया है। देखते हैं वीआईपी अपना ताज बचा पाते हैं नहीं। वेरी गुड यार। अच्छा यार, वेरी गुड यार। जेलर ने कैदी को आके सूचना दी। कैदी नंबर 12। हाँ, क्या हुआ? मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, कल सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। ठीक सुबह 6 बजे। अच्छा। सच्ची? सुबह 6 बजे फांसी? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मैं 8 बजे के पहले उठता ही नहीं हूँ सो के। बहनों भाइयों, पिछले 4 हफ्तों से लगातार कॉमेडी का सरताज बनता हुआ आ रहा है वीआईपी। वीआईपी का आज 5वां एपिसोड है। देखना यह है कि वीआईपी अपना ताज
आज बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनको चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच। ओहो, दिनेश सोनी। ये अंदर में कूलर उलर फिट किए हैं क्या? बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। पूरा एयर कंडीशन, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। आपके बगल में बहुत हॉट है ना? सीट के बगल में ना? Oh my God, really? Actually, हीट वहाँ से ट्रांसफर हुई। वो सुना है? बोले मैंने एक वर्धा के एक भाई से पूछा, हमने कहा आपके यहाँ गर्मी कितना है? गर्मी बहुत पड़ते हो। अरे काय गर्मी हो वर्धा मध्य, काय गर्मी? रे बाबा देवर देवा। अरे काय गर्मी? 40 डिग्री, कधी कधी 45 डिग्री। काय सांगताय काय? अरे काय गर्मी हो? अरे तुझ्या मायला सांगतोय काय? मी बोला 40 डिग्री होता है तो क्या करते? 40 डिग्री गर्मी होता है तो हम पूरा फैमिली कूलर के सामने बैठ जाते। अच्छा 45 डिग्री होता है तो 45 डिग्री होता है तो हम लोग कूलर को चालू कर देते। राजू जी, मेरे को मेरे ससुराल से एक फटफटिया मिली। मैं बहुत खुश हुआ। मैं एक दिन चला के जा रहा था, अचानक से मेरा एक दोस्त, उसे भी नई नई हीरो होंडा मिली थी ससुराल से, आया। अरे दिनेश, कभी हीरो होंडा चलाइए। निकल गया, आगे निकल गया। मैं चला जा रहा था, ठीक है, दूसरी बार फिर आया। अरे दिनेश, कभी हीरो होंडा चलाइए। थोड़ी देर बाद में फिर आ गया, फिर आ गया। अरे दिनेश, कभी हीरो होंडा चलाइए। आगे गया तो देखा वो बाइक इधर पड़ी हुई है, आदमी इधर पड़ा हुआ है, हेलमेट उधर पड़ा हुआ है, जूता इधर पड़ा हुआ है, हाथ इधर पड़ा हुआ है, पैर उधर पड़ा हुआ है। मैंने अपनी मारुति पार्क की। क्यों, बहुत बोल रहे थे ना हीरो होंडा चलाइए चलाइए, अब क्या हुआ? अरे यार, यही तो पूछ रहा हूँ, हीरो होंडा चलाइए तो बता इसका ब्रेक कहाँ पे है? अच्छा, आजकल क्या है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए मार्केट जाइए, खरीद के ले आइए। ऐसे ही मैंने सोचा, मैयत से लेकर शादी तक का सारा सामान मार्केट में अवेलेबल है। अभी सोचिए, शादी का सामान अवेलेबल है, दूल्हे भी मार्केट में मिलने लग जाए तो? रेडीमेड दूल्हे रेडीमेड मिलने लग जाए तो क्या है कि खरीदारी कैसे होगी, उसकी परचेजिंग कैसे होगी? एक दुकान बनी हुई रहेगी, दुकान बनी हुई है जिसमें ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, राम प्रसाद दूल्हा स्टोर्स। यहाँ हर तरह के काले, पीले, नीले, गुलाबी, हरे, नीले, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ दूल्हे मिलते हैं। नीचे में छोटी लाइन लिखी है, नोट ऑर्डर देने पर बनाए भी जाते हैं। इस तरह में परचेजिंग कैसे होगी? दूल्हे के दुकान के अंदर में जाएंगे, सारे दूल्हे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। अच्छा, इस ढंग से अगर परचेजिंग होगी तो जिस लड़की के लिए दूल्हा चाहिए वो उसकी माँ, उसकी नानी, काकी, भुआ, नानी, जो भी है, साथ में आइए। परचेजिंग के लिए कैसे आएंगी वो लोग? देख कैसा है, अच्छा है ना? मेरे को तो देख के ही हंसी आ रही है, अपनी मुन्नी हर समय हंसती रहेगी। ये वाला कैसा है, अच्छा है ना? मैं भी चाहती थी ऐसा ही मिले, लेकिन क्या मिला राम। अभी एक काम कर, टच करके देख ना, टच करके देख कैसा है। अरे छूना फोकट में थोड़ी ले रहे हैं, पैसे दे के ले रहे हैं, जिंदगी भर का मामला। हाँ पकड़, हाथ पकड़, हाँ मरोड़ के देख, अभी गाल देख, हाँ देख, कुछ नहीं बोलता, अच्छा है। इतने में दुकानदार ने उसको देख लिया। अरे मुन्नी, तेरे लिए दूल्हा चाहिए। अच्छा बताइए कैसा दूल्हा दूँ? ओ भैया, ऐसा है कि ये जब जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं वो सब कैसे हैं? ये सब में कोई ढंग का है अपने लायक? नहीं नहीं भाभी जी, वो सब आपके लायक नहीं है। ये सब तो क्या है, डाइवोर्सी फीस आते हैं ना हम लोगों के पास में, काम के नहीं होते हैं तो डिस्प्ले में लगा देते हैं। अच्छा बेबी बोलो, तुमको कैसा दूल्हा चाहिए? बेबी, मेरे को ना अभिषेक मांगते हैं।
अरे बेटी अभिषेक मांगता था तो एक दिन थोड़ा दिन पहले आने को होता था ना, मेरे पास में 2 पीस अभिषेक पड़े हुए थे। एक तो क्या है, पहले करिश्मा ने ऑर्डर दिया था फिर कैंसिल करवा दिया, अभी थोड़ा दिन पहले ही ऐश्वर्या फाइनल डिलीवरी लेके गई है उसकी। और दूसरा पीस अभिषेक पड़ा है जो राखी जी ने बुक करा के रखा है, एडवांस दे के रखा है, अभी डिलीवरी कब लेंगी नहीं लेंगी अब उनको पता नहीं है। क्या बात है। तो भाभी जी आप एक काम कीजिए, ये सब झंझट छोड़िए, आप अपने हिसाब से दूल्हा बनवा लीजिए। बनवा ले मतलब, हाँ स्टिचिंग कर देते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स दिखाएंगे और उसमें क्या है ना, आप एकदम पार्ट जुड़वा लीजिए, अपने पसंद का दूल्हा बना लीजिए। बेबी के हाइट से कितना ऊंचा दूं? बेबी के हाइट से 4 इंच ऊंचा दे दो। 4 इंच नहीं, 4 इंच नहीं, 4 इंच नहीं। तो कितना बेबी? 8 इंच ऊंचा, 8 इंच ऊंचा, 8 इंच ऊंचा। 4 इंच की सैंडल भी तो पहनूंगी। लेकिन क्या है भाभी जी, आप मेरे को क्या है ना, वो दिमाग का बता के जाना, जाने से पहले दिमाग कौन सा लगाना, दिमाग मत लगाना, न तुम लगाना न दूल्हे में लगाना। लेकिन मम्मी दिमाग मांगता है। ठीक है कुत्ते का दिमाग लगा देना। कुत्ते का दिमाग किस लिए भाभी जी? जब भी बेबी को देखेगा दूमी लाएगा। ओ ठीक है भाभी जी अभी फाइनल कर देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, एकदम सब कुछ फाइनल है ना? अच्छा सब कुछ तो फाइनल है, लेकिन एक बार बोलो दूल्हा तैयार कब तक हो जाएगा? भाभी जी बस आप समझ लीजिए कि 10 दिन में दूल्हा तैयार हो जाएगा, आप आके डिलीवरी ले लीजिए। डिलीवरी नहीं, 7 भर के बाद में बेबी आएगी ट्रायल लेने के लिए, अगर पसंद आया तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में जब से आया हूं मैं, मैंने देखा यहां पे बहुत भाईचारा है, बहुत भाईचारा है, और यहां तक कि सबकी टाइटल भी एक ही है। क्योंकि जब भी मैं स्टूडियो के उधर ऑफिस में जाता था, वहां पे नीचे मैं रिसेप्शन में बोलता था, एक आदमी आया, हाँ भाई साहब वो संजय जी हैं? हाँ संजय जी हैं, आप कौन? मैं पीयूष। अच्छा टूट 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 टूट, हेलो संजय सर, पीयूष करके आए हैं, भेज दूँ ऊपर जाइए। थोड़ी देर बाद में कोई नारंग आया, हाँ ऋचा जी हैं? हाँ ऋचा हैं, आप कौन? मेरा नाम नारंग है। हेलो ऋचा जी, नारंग करके आए हैं। मैं बोला यार सब लोग करके आए हैं। मैंने बोला ये भाई साहब मैंने कोई बताना किधर है। उधर से आया फ्रेश होके आया, यार अब तो मैं भी करके आया हूँ, अब तो भेज दे ऊपर। थैंक यू। अरे कमाल किया रे, और अब बारी एस्कॉर्ट्स की, दिनेश सोनी को मिलते हैं। अच्छा है 10 में से 6। बहन भाइयों, दिनेश सोनी के बाद जी हाँ। अब चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं वी आई पी। भिखारी जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, आप लोग जानते हैं, स्टेशन में देखिए भिखारी जो होते हैं कुछ लोग टेंशन में रहते हैं, कुछ लोग के एक्सप्रेशन जो रहते हैं खाली बातें एक्सप्रेशन से करते हैं। अगर आपके सामने आ जाए, जिद्दी भिखारी बोलते हैं इनको, खाली मुंह से नहीं बोलते, खाली सामने से क्या है वॉल्यूम बंद रखते हैं, क्या है क्या सेट कुछ दो ना, छुट्टा नहीं, जा ओसेट, अरे जा यार ओसेट, अरे जा यार, आधे घंटे से परेशान कर रहा है, कभी पैरों में कभी जमीन पे लड़ रहा है। मैंने टेंशन में आके जेब में डाला, 10 रुपये का नोट भर आया, मैंने भिखारी को दिया, भिखारी खुश चला गया। अगली गली में दूसरा भिखारी, ओसेट ओसेट ओसेट, मतलब भाई एक गया दूसरा आया, वापस जेब में डाला, 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपये का सिक्का आया, मैंने भिखारी को दिया, भिखारी भड़क गया, क्या सेट, उसको 10 रुपया हमको 1 रुपया, मतलब तेरे को कैसा मालूम, अभी अभी उसका SMS आया। ये सारी मेहरबानी धीरू भाई की, धीरू भाई ने इतने मोबाइल सस्ते कर दिए, मगर वो तो नहीं रहे, वो चले गए ऊपर स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के बाद सब भगवान को एक एक मोबाइल दे दिया, सब भगवान के पास मोबाइल है, सब खुश हो गए, क्या बात है मोबाइल आ गया अभी, और सब भगवान के मंदिर के बाहर सबके नंबर होंगे, टेलीफोन नंबर भगवान के। अब मोबाइल यमराज के पास भी, यमराज के पास मोबाइल आने के बाद यमराज जी आलसी कंटाल गया, अभी 2 दिन बाद जिसको मारना है सबसे पहले उनके हाथ में मोबाइल होगा, उनको कॉल कर रहे, टाटू टू टू टाटू टाटू, फोन काट दिया,
वापस टाटू टू टू टाटू टाटू फिर फोन कर ठपक चित्रगुप्त ये क्या हो रहा है भगवान हे यमराज आप हंसे ना वो बालक डर रहा है वो बालक डर रहा है कृपया डायरेक्ट मुद्दे पर है अच्छा टाटू 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 टू मूर्ख बालक फोन मत काटना कल तेरी नहीं परसों तेरी मृत्यु है हाँ हाँ कौन बोल रहे यमराज बोल रहा हूँ तेरे जितने काम तुझे निपटाने निपटा ले परसों आ रहा हूँ और मेरा नंबर सेव कर ले दो दिन के बाद वापस के भाई आज मैं आ रहा हूँ दो दिन बाद टाटू 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 सामने वाला फोन ही नहीं उठा रहा है फोन उठा नहीं रहा है टेंशन में चित्रगुप्त बालक बड़ा होशियार है फोन नहीं उठा रहा जरा दुबई वाले यूसुफ भाई का फोन देना देना जरा दिखाता हूँ इसको यूसुफ भाई यमराज बोल रहा हूँ एक सुपारी है अब यमराज भी सुपारी देने लगे और एक सच्चा भक्त जो भगवान को दो तीन महीने से फोन करे जा रहा है लेकिन कोई भी भगवान से फोन नहीं उठा रहा है ट्रिंग 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 सब भगवान देखते हैं हाँ ठीक है चलो ओके तो उनके यहाँ पर नारद मुनि आए नारायण नारायण हे भगवान ये बालक आपको कितना फोन कर रहा है कौन है ये बालक कितने दिनों से फोन कर रहा है भगवान बोलते नारद जी ये भगवान अनिल अंबानी है हमें हूल दे रहा है बोला फोन का बिल भरो वरना फोन काट दूंगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू अच्छा स्वर्ग स्वर्ग में पता है हाँ स्वर्ग में एक लेडी बोली ए सुना है कि स्वर्ग में हस्बैंड वाइफ को साथ में नहीं रखते बोले हाँ इसीलिए तो उसको स्वर्ग बोलते हैं क्या बात है सर ए वीआईपी ए कमाल किया रे थैंक यू और अब वक्त है स्कोर का वीआईपी को मिलते हैं 5 क्या बात है कोई शॉक हसे 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 गारे हसेगा इंडिया रे हसे 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 गारे हसेगा इंडिया रे दोस्तों राखी सावंत और बिल्डर्स यानी भवन निर्माता उन दोनों में क्या समानता है क्या सिमिलरिटी है पता है मुझे पता है ये बिल्डर लोग सीमेंट रेती ईंट से फ्लैट बनाते हैं और राखी सावंत अपने हुस्न से लोगों को फ्लैट करती है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में और राखी सावंत में क्या समानता है पता है मुझे पता है दोनों ही आज की डेट में हॉट प्रॉपर्टीज हैं जगह इतनी महंगी होती जा रही है फ्लैट इतने छोटे होते जा रहे हैं कि आगे चल के आप देखिएगा एक ही फ्लैट के अंदर और फ्लैट हुआ करेंगे शेयर करके रहेंगे फ्लैट का ये कोना ये किसका है ये शर्मा जी रहते हैं यहाँ पे अच्छा अच्छा ये कौन है गुप्ता जी रहते हैं अच्छा अच्छा ये कौन हमारे मेहरा साहब अच्छा अच्छा ये बेडरूम किसका है बेडरूम में एक आंटी रहती है अच्छा 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 लोग आके बोले एजेंट के पास है भाई मुझे फ्लैट चाहिए था फ्लैट के लिए आप आइए देखिए अभी तक ये टॉयलेट खाली है टॉयलेट ले लीजिए एकदम सी फेसिंग है समुद्र की तरफ बैठ के इसलिए क्या पेट भी जल्दी साफ हो और तो और ये फ्लैट के अंदर एक्सचेंज ऑफर शुरू हो जाएगा फ्लैट के अंदर ही एक फैमिली दूसरी फैमिली से कहेगी एक अंकल आए अरे शर्मा जी आपका बाथरूम जरा थोड़ी देर के लिए दे दीजिए नहा लें 3 दिन हो गए वो बोलेंगे अरे आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली आप बाथरूम में घुस जाइए तब तक आपके रसोई में हम घुस जाएं 3 दिन से हम कुछ खाए नहीं तभी मेहरा साहब मिसेस कपूर से कहेंगे बहन जी गल इस तरह है आप ना अपने ड्राइंग रूम का कोना दे दो मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं अरे वाह भाई साहब मुबारक हो रिश्ता तय कर दिया हूँ बताया भी नहीं एक ही फ्लैट में रहते तो भी नहीं बताया आहा क्या करता है लड़का खुद का घर तो है हाँ जी बहन जी बड़ा इस्टेब्लिश लड़का है उसका तो बड़ा ऑटोमेटिक घर है बटन दबाता है दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाता है
बटन दबाता है ऊपर चला जाता है, पूरा पूरा घर ऊपर चला जाता है, बटन दबाता है पूरा घर नीचे ले आता है, बड़ा ऑटोमेटिक है। वाह भाई साहब, बहुत बड़े घर में रिश्ता तय किया है, लड़का तो बहुत इस्टेब्लिश लगता है। क्या करता है, कौन है? वो है अपनी बिल्डिंग का लिफ्ट मैन बिरजू। घरों के जो ब्रोकर हैं वो ऐसी बात किया करेंगे, कोई महिला ट्रांसफर होके आई, मैडम त्या है अब तो हम धर दे सकते हैं, अब तो रहने दो, जो तकलीफ है उस तो अपन दूर कर सकते हैं, लेकिन त्या है आपके लिए एक अलमारी है, अलमीरा बोलते हैं ना अलमीरा, उसमें आप सो सकती है, आराम से सो सकती है, बड़ी है आप उसमें सो सकती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे चार बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्या? बच्चों तो हम ठूठी दे दें, ठूठी। क्या? ठूठी ठूठी, हुत 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 दे दें, दे बच्चों तो ऐसे तरते आप तान दे दें। हाँ वो तो ठीक है, थैंक यू भाई साहब, लेकिन मेरे हस्बैंड ये कहाँ सोएंगे? आप तो हस्बैंड तो नहीं जमेदा, हस्बैंड का तकलीफ है, आपके हस्बैंड का तोन निकला है, इन तो एडजस्ट करना मुश्किल है, ये तो चार आदमी जैसे लेंगे तो आजकल तकलीफ है, हस्बैंड के लिए आप ऐसे करो इनको कोई टेरेस फ्लैट दे दो, टेरेस फ्लैट। तभी वो लेडी गुस्से में बोलेगी ये अच्छी बात नहीं है, अपने हिंदुस्तानी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, और आपने देखिए अंदर वो चाइनीज है, चाइनीज रहता है, उसको अच्छे से आपने जगह दी हुई है, हिंदुस्तानी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? अरे मैडम वो चाइनीज नहीं है, वो तसम से चाइनीज नहीं है, उस तो मैंने जगह दी है ना, वो दरवाजे से पीछे वाली दी है, तो त्या तो भी धर्म में घुसता है ना तो दरवाजे खोलते उससे नात में लगता है, तो नात में लद लगते एकदम चपता चपता मालूम ऐसा चपता हो गया, वो चाइनीज नहीं है, वो अपने इंडिया था ही है, तुम्हारी होता दोंद्रा साहब, दोंद्रा साहब दो साहब इंडिया था, इंडिया था कसम। और अब दोनों कॉमेडियन के बीच आखिरी जंग, एक तरफ है ईंट और एक तरफ है पत्थर, इस राउंड के बाद पता चल जाएगा कौन है अच्छा कौन है बदतर। तो सबसे पहले आवाज दे रहा हूं दिनेश सोनी आ जाओ। बच्चों से कोई भी सवाल पूछ लीजिए, उनके पास जवाब तैयार रहता है। टीचर ने पूछ लिया, अच्छा ये सब बात छोड़ो, अभी बताओ एक और एक ग्यारह का एग्जाम्पल दो। सर एक और एक ग्यारह, अभी कहना है सर एक लालू जी एक राबड़ी देवी उनके नौ बच्चे। एक और एक ग्यारह। बच्चों से पूछ लीजिए कुछ भी पूछ लीजिए। बेटे ने अचानक से बाप से पूछा, पापा। हाँ बेटे। आप जैसे मेरे को डांटते हैं, आपके पापा भी आपको डांटते थे? अरे बेटे मेरे पापा मेरे को डांटते क्या थे, मेरे पापा तो मेरे को मारते थे। अच्छा उनके पापा उनको मारते थे? अरे बेटे वो तो मारते क्या थे, हाथ से क्या डंडे से मारते थे। अच्छा उनके पापा? चुप, क्या पापा पापा लगा के रखा है, तू पूछना क्या चाहता है? नहीं पापा मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना कि अपने खानदान में यह बाप लोग की गुंडागर्दी कब से चली आ रही है। जिस ढंग से चेहरे के लिए कॉस्मेटिक्स बनते हैं, फिर घास के लिए कॉस्मेटिक्स बनेंगे। अपनी त्वचा को दीजिए एक सुंदर सुखद एहसास, लगाइए ग्रीन एंड लवली क्रीम, आपके शरीर पर 14 दिनों में ऐसी घास उगाए कि पड़ोस का कुत्ता मटन छोड़कर घास खाने लग जाए। देखिए दिनेश सोनी जो है बताया सब बात जो है सब लोग समझ गया, पूरा बिहार समझ गया, अब वक्त है मालूम है कौन आने वाला है, वो है आ रहा है VIP बी अंडरवियर बनिया है। ये पीयूष मामा किसको बोलने लाए, कल्लू केकड़ा नाम है मेरा, क्या दोबारा नहीं बोलना मुंह नहीं खोलना। ये मैं अपना मुंह खोलता हूँ। कल्लू केकड़ा जो है ये बड़ा परेशान करेक्टर है, किसी को परेशान करते रहता है। रात को 2:30-3 बजे मेरा अच्छा दोस्त है 2:30-3 बजे उठकर हम लोग कभी जाते रिक्शे वाले को बोलता है, ए रिक्शे वाले ए ए उठना। क्या क्या है? रिक्शा खाली है क्या? हाँ साहब खाली है। पत्थर डाल ले भर जाएगा। थैंक यू
आगे गया टैक्सी वाले के पास. टैक्सी वाले, ए ए टैक्सी वाले, क्या है साहब, क्या है, का का दादर जाएगा क्या? हाँ साहब जाएगा. खड़ा काहे को जाना? बोला भाई तू कोई मार खाएगा? मैं बोलूँ तो बहुत इंटेलिजेंट है क्या? अपन इंटेलिजेंट है. चल मेरे सवाल का जवाब दे. हाँ बोल बोल बोल. मिनिमम का अपोजिट क्या है? मैक्सिमम. गलत. सही क्या है? मिनी डैड. मम डैड. क्या यार सवाल आपका कीड़ा है यार, बहुत बड़ा कीड़ा तू. अच्छा एक सवाल करूँ क्या? हाँ कर. एक डाली के ऊपर एक कौवा बैठेला है, नीचे हाथी है. कौवे ने छींची कर दिया, वो हाथी पे गिरा नहीं, बोल क्यों? हाथी पे गिरा नहीं, वो सूख गया होगा, हवा में उड़ गया होगा. नहीं, कौवे ने डायपर पहना था भाई. भाई और एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछ. तीन चींटी रहती है, आगे वाली चींटी बोल रही है मेरे पीछे दो चींटी, पीछे वाली चींटी बोल रही है मेरे आगे दो चींटी, बीच वाली भी बोल रही है मेरे आगे पीछे दो दो चींटी, बोलो कैसे? बोला वो कैसे आया मुझे पता नहीं. अरे सिंपल है भाई, तीनों चींटी गोल गोल घूम रही थी. थैंक यू भाई. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ हाँ समझ गए, ताली बज रहा है. ठीक है देखिए, आज का खेला जो है एकदम पेलम पेल हो गया है, और दोनों जो है धुरंधर जो है लंगोटी पहन के आए रहे अखाड़े में. दोनों अच्छा कर्तव्य किया है, और पिछले चार हफ्ते से ये VIP अंडरवेयर वाला जो है ताज पहनता जा रहा है. बढ़िया खिलाड़ी है, है सुदेश जी. बहुत अच्छा है. अब देखना यह है कि आज के पांचवें एपिसोड में ये VIP अपना ताज बरकरार रख पाते हैं कि नहीं. वो घड़ी आ गया है. आइए सुदेश जी, ये राखी दे. पहले राउंड में VIP को मिले थे 5 पॉइंट और दिनेश को मिले थे 6 पॉइंट. और दूसरे राउंड में मतलब पहले राउंड में 1 पॉइंट का फर्क था, 1 पॉइंट का फर्क था. और दूसरे राउंड में 1 भी पॉइंट का फर्क नहीं. दूसरे राउंड में 1 भी पॉइंट का फर्क नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. मतलब टाई हुआ था दोनों का. टाई हुआ दूसरे राउंड में, टाई हुआ. हाँ. इसका मतलब आज के कॉमेडी के सरताज हैं दिनेश सोनी. तो बस दिनेश सोनी आज के विनर हैं, और ये अगले एपिसोड में नजर आएंगे, और इनको कोई और कॉमेडियन चैलेंज कर रहा होगा. देखना ये दिनेश सोनी इस तरह से आगे आगे कितने एपिसोड तक जा पाते हैं. तो बस मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है कॉमेडी का बादशाह. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.